हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सभी। तो टुडे माय टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके बेटा, इससे मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूं, आप इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर। ओके, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, लेकिन माय टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है बेटा, तो मेरा आज का टॉपिक ये है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज बेटा, फिजिकल चेंज का मतलब उसके फिजिकल नेचर में चेंज हो जाए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना हो। जैसे कि हम बात करें बच्चों, आप एक ग्लास पानी ले लो, एक वन ग्लास वाटर ले लो, फ्रीजर में रख दो, आइस क्या होगी, आइस बन जाएगी। भाई वाटर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, उसकी फिजिकल स्टेट तो चेंज हो गई, वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट चेंज। तो आप फिजिकल चेंज में ऐसा देखेंगे, दिखेगा ए चेंज इन विच, ए चेंज इन विच नो एनो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड, नो एनो नो, ठीक है, no new substance is formed, but physical state of the substance is changed, but physical state of the substance is changed। ठीक है बेटा, physical change आपको clear हुआ, केवल क्या हो रहा है, physical state change हो रही है। ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस यहां पर नहीं बन पाया। जैसे मैंने वाटर को लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, या पानी लिया मैंने भाप बना दी गैस स्टेट में, भाई है तो वाटर ही गैस स्टेट में, या लिक्विड स्टेट में, या सॉलिड स्टेट में हम आइस बना लें, तो केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, कोई न्यू सब्सटेंस यहां पर नहीं बन पाया। ठीक है, तो बेटा आप लोग फ्लिस्टोप लाकर न्यूलाइंस देखेंगे, फ्रिस्टोप एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल, हाँ न्यू लाइन से एग्जाम्पल में लिखिएगा, when ice melts to form water, ठीक है, ओनली इट्स फिजिकल चेंज इज Only its physical state is changed, but no new substance is formed. बेटा हमने क्या किया, वॉटर को आइस को पिघला लिया, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, यहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। ठीक है, ये क्या एग्जांपल था, फिजिकल चेंज का। बेटा जो फिजिकल चेंज है ना, तो टेम्परेचर चेंज है। ठीक है, जैसे मैंने वाटर लिया, वाटर से आइस बना ली, आइस को पिघला मैंने फिर वाटर बना लिया, है ना, या वाटर लिया मैंने गैस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर गैस को कंप्रेस करके फिर मैंने वाटर बना लिया। तो बेटा फिजिकल चेंजेस आर दिस, नंबर वन टेम्परेरी चेंज। ठीक है, नंबर वन टेम्परेरी चेंज, नंबर टू कैन बी रिवर्स इजली। बेटा फिजिकल चेंज क्या, एक टेम्परेरी चेंज है, नंबर टू कैन बी रिवर्स इजली का मतलब, आपने वोटर लिया आइस बना ली, आइस को पिघला फिर वोटर बना लिया, वोटर से फिर आपने आइस बना ली, आइस से फिर वोटर, तो इजली, ठीक है, कैन बी रिवर्स इजली। इसके बाद सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस, इसके बाद बेटा सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस, हाँ इसके बाद आपको पहचानिए
some example of physical change. Get some example of physical change. ठीक है, नंबर वन, दो बेटा इवेपोरेशन ऑफ वॉटर, वॉटर को भाप में कन्वर्ट कर दो. नंबर वन लिखेगा इवेपोरेशन ऑफ वॉटर. ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वॉटर. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ आयरन रिंग एंड सल्फर पाउडर. देखो ये, हाँ, इवेपोरेशन ऑफ वॉटर. ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वॉटर. और भाई नंबर टू, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिल्म, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिल्म. ठीक है, आइए, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिल्म एंड सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर. ठीक है, सल्फर पाउडर. और बेटा ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज. बेटा मेल्टिंग ऑफ वैक्स. ठीक है, वैक्स को मेल्ट करना भी क्या है, फिजिकल चेंज. क्लियर? तो बेटा ये हमारा फिजिकल चेंज था. इसके बाद मैं लेकर चलूंगा यहां पर केमिकल चेंज, तो आप जल्दी से नोट करें. ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा फिजिकल चेंज. इसके बाद आप लोग निकालिए केमिकल चेंज. हाँ, देखिएगा केमिकल चेंज. बेटा केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. ठीक है, तो लिखेंगे केमिकल चेंज में कैसा आकर, ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस, वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट या फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस. ए चेंज इन विच वन और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस. बेटा एक या एक से ज्यादा कंपाउंड रिएक्ट होकर, ठीक है बेटा, नया कंपाउंड बना लेते हैं या न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं, फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, इज कॉल्ड केमिकल चेंज. ठीक है बेटा, इज कॉल्ड केमिकल चेंज. अब देखो केमिकल चेंजेस क्या है, देखेंगे बेटा. एक परमानेंट चेंज है, परमानेंट है और इरिवर्सिबल. तो लिखिएगा परमानेंट. एक तो परमानेंट है, परमानेंट. नंबर टू इरिवर्सिबल चेंज का मतलब जैसे हम फिजिकल चेंज में वॉटर को आइस में कन्वर्ट कर लिया, आइस को वॉटर में कन्वर्ट कर लिया, यहां पर ऐसा नहीं कर सकते बेटा. एक परमानेंट चेंज है और ये इरिवर्सिबल. ठीक है, तो बेटा जल्दी से नोट करें, हाँ. इसके बाद सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर, बेटा सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस देखिएगा, सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस.
बेटा केमिकल चेंजेस तो बहुत सारे एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ ए वुड, कुकिंग ऑफ ए फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा क्या पेपर को जलाकर दोबारा से उस राख का पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो देखो बेटा एक केमिकल चेंज का एग्जांपल, देखो बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। नंबर टू बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है बेटा। कुकिंग ऑफ ए फूड, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। कुकिंग, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। नंबर फोर रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। बड़ा केमिकल चेंज के हमारे एग्जाम्पल है, ठीक है। हम ना तो राख से दोबारा पेपर बना सकते हैं, ना ही जली हुई लकड़ी से दोबारा उस लकड़ी को बना सकते हैं, ना ही फूड से हम दोबारा से आटा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ऐसे ना ही हम रस्टिंग वाले आयरन से प्योर आयरन बना सकते, ठीक है बेटा। तो ये हमारे एग्जाम्पल है, नोट कीजिएगा। और बेटा आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बेटा।